हे एवरीवन, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जिसके थ्रू से आपको 16% तक का रिटर्न मिल सकता है, और एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड लीजिंग के बारे में। गोल्ड लीजिंग इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, उस प्लेटफॉर्म पर आप जो पैसे देते हो, जो पैसे आप डिपॉजिट करते हो, डिपॉजिट नहीं करते हो, आप उस पैसे के ना कुछ गोल्ड्स, डिजिटल गोल्ड्स बाय करते हो, एंड उन डिजिटल गोल्ड्स को आप ज्वेलर्स को, जो बड़े बड़े ज्वेलर्स होते हैं, उन्हें आप लीज करते हो। आप खुद से नहीं करते हो, वो प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करती है बड़े बड़े ज्वेलर्स को लीज करने के लिए। वो ज्वेलर्स जो कि इन गोल्ड्स को ही एज एक कैपिटल यूज करते हैं अपने व्हाट एवर जिस भी परचेज के लिए, जिस भी पर्पजेस के लिए। तो हम जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं वो है गुल्लक। गुल्लक, जी हाँ, गुल्लक। नाम सुनकर ही लगता होगा आई थिंक चिल्लर वाला कोई एप्लीकेशन है, एंड ऑलमोस्ट मुझे भी ऐसा ही फील होता है। मल्टीपल्स ऑफ प्लेटफॉर्म है इसी नाम से, जहां पर मेनली वो आपके ना कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि आपसे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से कुछ पैसे वो लाइक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वहां पर डिपॉजिट करो, एंड कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कि आपको बोलते हैं भैया आप इतने रुपए के हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे गोल्ड बाय कर लो, एंड साल में जो है आपके यहाँ पर थोड़ी बहुत रिटर्न्स मिलते रहेंगे, कितने 11%। एंड सेम कॉन्सेप्ट अगर देखें तो ये गुल्लक भी आपको उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपके यहाँ पर ये गोल्ड्स सेल करती है। गुल्लक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर बाइंग डिजिटल गोल्ड्स एंड लीजिंग दैम। अब तक हम जितने भी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते थे, फिर जितने भी हमने डिस्कस किया है, हमने वहाँ पर क्या किया है कि पैसे को डायरेक्टली बॉरोवर्स को दिया है जिन्हें चाहिए, और वो जो है उसी बेसिस पर हमें रिटर्न्स देते हैं। बट अब यहाँ पर क्या हो रहा है गोल्ड के सिनेरियो में, गोल्ड के केस में आप गोल्ड बाय करते हो एंड उस गोल्ड को ना किसी और को आप देते हो लीज में। साधारण शब्दों में किसी और को आप भाड़े में देते हो, एंड उसका भाड़ा आपको कितना मिलता है, 3-4% के आसपास। वैसे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अभी 16% कैसे होता है, तो यहां पर अगर हम देखें तो एनुअली गोल्ड, सोने का जो भाव है, वैल्यूएशन है, एवरेज 11% के आसपास जो है साल का वो ग्रो होता रहता है। ठीक है, हाँ ठीक है, 11% वो प्लस 3-5% जो है आपको यहाँ पर लीजिंग के थ्रू से मिल जाती है, तो टोटल हो गए 15-16% के आसपास। तो जी हाँ, यहाँ पर इसी बेसिस पर जो है गुल्लक आपको 16% तक का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है। अब इस 16% के बीच में ना बहुत सारे चार्जेस भी आ जाते हैं जिसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। यहाँ पर मेनली 3-4 तरीके हैं जिसके थ्रू से हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला होता है फिजिकल गोल्ड खरीदना, जो कि हम लोग नॉर्मली सोनार दुकान पर जाते हैं, भाई लो भाई ये ले 50,000 रुपये और दे मुझे 2 तोले सोने, और हमने उसे गले पर टांग कर लेकर आ गए, या फिर हमारे फ्रेंड्स के लिए या फिर हमारी वाइफ के लिए, किसी के लिए भी जो है हम लोग यहाँ पर रफली गोल्ड बाय करते हैं, एंड वो एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट ही होता है। अब दूसरा तरीका सॉवरेन गोल्ड को बाय करना। सॉवरेन गोल्ड के ना मल्टीपल सब बेनिफिट्स है, उसके बारे में हम कभी और जानेंगे। इसके अलावा ETFs ऑफ गोल्ड, गोल्ड का भी ना एक ETF सेक्शन होता है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन यहां पर भी ना चार्जेस ना के बराबर लगते हैं। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड्स बाय करना, डिजिटल गोल्ड्स अगर आपको बाय करना होना तो यहाँ पर आपको मल्टीपल सब प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज। नॉर्मली जो आप डे टू डे प्लेटफॉर्म्स यूज करते हो लाइक फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स जो है आपको डिजिटल गोल्ड बाय करने की फैसिलिटी देती है। अब बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें डिजिटल गोल्ड्स बाय करना चाहिए। अगर आप देखें ना तो रिसेंटली लेवर लॉ एडवाइजर ने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, इसके अलावा उन्होंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है कि क्यों डिजिटल गोल्ड्स में इन्वेस्टिंग करना आपके लिए क्यों अच्छा नहीं होता है। जब आप सेल करने जाते हो ना तो उस समय भी मार्केट की जो वैल्यू होती है और आप जो सेल कर रहे होते ना, उन दोनों में अगेन एक डिफरेंस होता है, सेम प्राइस नहीं होता है। थर्ड, जब भी आप गोल्ड को बाय या सेल करते हो ना तो यहाँ पर आपको 3% का GST लगता है। अब मैं 3% क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक हमने जितने भी प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात की है जिसके तरह से आपको 12% से लेकर 18% तक रिटर्न मिल जाता है, वहाँ पर अब तक जो है आपको GST चार्जेस या फिर 1% भी GST चार्जेस नहीं देना पड़ता है। अब इन रिटर्न पर बिना लाइक P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू से अगर आप रिटर्न कमाते हो तो उस केस में बिना आपको टैक्स तब देना होता है जब आप टैक्स स्लैब में आते हो, तो अदरवाइज ये सारी की सारी चीजें माफ होती हैं। बट वही गुल्लक प्लेटफॉर्म पे या फिर डिजिटल गोल्ड अगर बाय करते हो तो भाई आप टैक्स स्लैब में आओ या ना आओ, आपको यहाँ पर 6%, दैट मीन्स कि बाइंग के समय 3% एंड सेल करते समय 3% GST चार्जेस लग जाती है। ठीक है, ये सारी तो बातें हो गई चार्जेस के बारे में, इसके अलावा और भी मल्टीपल सब चार्जेस हो सकती हैं। क्या ये गुल्लक प्लेटफॉर्म सेफ एंड सिक्योर है? बोला जाए तो
गुलक प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ गुलक प्लेटफॉर्म जो टूल्स यूज करती है आपके गोल्ड्स को स्टोर करने की या फिर वो ट्रांजेक्शन के लिए, वो सारे प्लेटफॉर्म एकदम सेफ एंड सिक्योर है। लाइक ये प्लेटफॉर्म यूज करती है ऑगमेंट को आपकी डिजिटल गोल्ड को स्टोर करने के लिए, तो अगेन ये एक सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट बन जाता है। प्लेटफॉर्म तो सेफ एंड सिक्योर है, और अगर रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ आपको 16% का रिटर्न्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बट अगर हम रिटर्न्स की बात करें ना, तो फ्रेंड्स निफ्टी 50 आपको एवरेज 14% तक का लास्ट 10 ईयर्स के रिटर्न्स बेसिस पे जो है 14% तक का रिटर्न्स देती है। सॉवरेन गोल्ड की बात करें तो आराम से आपको यहाँ पर 13 से 14% तक का रिटर्न्स दे दे रही है, और ये दोनों ऑप्शन वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे तो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इन दोनों ऑप्शन पे ना आपको एक लंबा पीरियड देना होता है, 2 साल 3 साल 4 साल का। निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 2020 एंड 21 के बीच में अच्छा खासा हमें अपडाउन देखने को मिला था, लेकिन वहीं अगर आप इसे 5 साल के टारगेट के बेसिस पर अगर आप लेकर चलते तो आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते थे। दैट्स वाई यहां पर इन दो ऑप्शंस में आपको लंबे समय तक चलना होता है। इसके अलावा P2P लैंडिंग, जो कि हम ज्यादातर डिस्कस करते हैं, जो कि करेंटली एक ट्रेंड है मार्केट में, P2P लैंडिंग ना आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रही है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। एवरेज अगर देखा जाए तो 12 से 15% तक का जो है आपको रिटर्न मिल ही जाती है। और अगर आप रफली सिर्फ और सिर्फ गोल्ड को बाय करके घर में रख लेते हो ना, तो उसकी वैल्यूएशन आराम से 11% तक जो है आपको एनुअली रिटर्न मिल जाता है। अब इसी को अगर 10 साल तक रखते हो तो अगेन यहाँ भी जो आपको वैल्यूएशन अच्छी खासी हाई होते हुए देखने को मिलती है गोल्ड्स में भी। जो गोल्ड की इन्वेस्टिंग ना वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिंग मानी जाती है अभी तक। अगर हम द ऑथर ऑफ रिच डैड एंड पुअर डैड की बात करें तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि भाई हम ये गवर्नमेंट्स की जो करेंसी है उन पर हम क्यों बिलीव करें, जब हमारा गॉड के थ्रू से जो करेंसी दी गई है दैट इज गोल्ड, वो अगर हमारे पास ऑप्शन में है तो वो बंदा ऑलवेज प्रेफर करता है गोल्ड्स में इन्वेस्ट करने का एंड गोल्ड्स को बाय करके रखने का। एंड ऑलमोस्ट वो बंदा सही भी होता है, क्योंकि हमारी करेंसी अप डाउन होती रहती है, कब कहाँ पर कैसा रिसेशन आ जाए आपकी करेंसी की वैल्यू अचानक से गिरने लगती है, लेकिन गोल्ड्स की वैल्यू कभी नहीं गिरने वाली, उसी लेवल पे जो है वो धीरे 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 बढ़ते रहती है। दैट्स वाई लोग प्रिफर करते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना, लेकिन इन प्लेटफॉर्म के बेसिस पर आई थिंक आपको इन्वेस्ट ना ही करना चाहिए। सो अगर आप चाहते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करना, आप सोवरेन गोल्ड के साथ जा सकते हैं, सॉरी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के साथ, या तो फिर ETF के साथ, या तो फिर आप फिजिकली गोल्ड लेकर आओ और घर पर रख दो, कोई टेंशन नहीं। बट अगर आप इन ऑप्शंस को चूज करते हो तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। इन सबके अलावा अगर आपको 16% तक का रिटर्न कमाना है तो यहाँ पर आपको मल्टीपल सब P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है, एंड मैं जिन प्लेटफॉर्म्स को यूज करता हूँ करेंटली दैट इज MobiKuik एक्स्ट्रा, जिसके थ्रू से आपको 12% का रिटर्न मिल जाता है। इसके अलावा इंडिया P2P, जहां पर आपको अप टू 18% तक का रिटर्न मिल जाता है, एंड ये दोनों प्लेटफॉर्म मैं करेंटली यूज कर रहा हूँ। तो अगर आप इन प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप उसके थ्रू से जा सकते हैं। अगेन बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था, आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है ये आपकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी टाइप की कोई भी क्वारी, फीडबैक, सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक ले जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।